कैंसर, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कर्क राशि कैंसर साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। कर्क राशि, थैंक यू। कर्क राशि, वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू। पहला कार्ड है आपका एट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। इंतजार है इस हफ्ते, आप अगर किसी के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, किसी के साथ कांटेक्ट को दोबारा से चाहते हैं कि आप इस शख्स के साथ दोबारा से कांटेक्ट में आ जाएं, तो ये पॉसिबल है इस हफ्ते। ये पॉसिबल है कि ये शख्स भी आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट करना चाहता है, आपके साथ मुलाकात करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत रिलेशनशिप के लिए, और रिलेशनशिप सिर्फ वो हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वहां तक सीमित मत रखिएगा। हमारा जो एनर्जी वेब में जितने भी लोगों के साथ आदान प्रदान होता है एनर्जीज का, हमारे नेबर्स हैं, हमारे कोवर्कर्स हैं, इंटरनेट पर हम जो इन जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, सभी के साथ जो भी आपका रिलेशनशिप है वो काफी फोकस में रहेगा इस हफ्ते। अगला कार्ड है सेवन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर कर्क राशि, पहली बात, जैसे मैंने आपको पहले कहा, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे बातें होंगी इस हफ्ते। बातें समझते हैं कि बातें जब हम करते हैं, अपनी कुछ बातें शेयर करते हैं, दिल का भार हल्का करते हैं, कुछ हेल्प मांगते हैं कभी, तो बातें बहुत होंगी इस हफ्ते आपकी। वो लोगों के साथ चुप बैठने वाली ऊर्जा नहीं है ये। बहुत सारे रिश्तेदार भी आपको मिलने आ सकते हैं आपके, या आप किसी को मिलने के लिए ट्रैवल कर सकते हो अपने परिवार, अपनी रिश्तेदारी में। एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर हमें ये भी बताता है कि थोड़ा सा एहतियात बरतिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट एनर्जी है, तो थोड़ा सा एहतियात, थोड़े से नियमों का पालन करना, वो ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं ना, कभी कभी हमें उनका पालन करना होता है, वो हमारी भलाई के लिए ही बने हैं। उसी तरीके से अगर जीवन में भी आप कुछ जल्दबाजी करके डिसीजन लेते हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक हो जाता है ना। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा आपको सब्र के साथ आगे बढ़ना है, थोड़ी सी एहतियात बरतने हैं, जल्दबाजी, इम्पल्सिव, कोई एंग्जाइटी में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपको कोई बात बताएगा इस हफ्ते, तो आंख मूंद कर विश्वास भी मत करना, ये ऊर्जा उसके बारे में भी है। जब हम आंख मूंद कर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, वो भी थोड़ा सा खतरनाक होता है। यहाँ पर वैसी ऊर्जा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स में इसकी आंखें बंद है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, तो पहले पुख्ता कर लीजिएगा उस जानकारी को जो जानकारी आपको दी जाएगी इस हफ्ते, फिर ही उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। ठीक है, लवर्स की ऊर्जा, जेमिनाई की ऊर्जा है यहाँ पर। आई थिंक अगर आपको मदद चाहिए किसी भी चीज की, ये सीढ़ी, ये मदद है, छाता कह लीजिए, चाबी कह लीजिए, सीढ़ी कह लीजिए, ये सब हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए बनाई हुई चीजें हैं, जो कि हमारे जीवन में सोल्यूशन की तरह, इनको हम सोल्यूशन की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो डेफिनेटली आपके लिए सोल्यूशन है यहाँ पर। कुछ लोगों को दूध पीने की जरूरत है आपकी, शायद आप दूध नहीं पीते हैं, कैल्शियम की कमी है आपकी बॉडी में, तो थोड़ा सा आपको दूध पीने की जरूरत है। अगर आप दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, तो कोई ना कोई प्रोटीन इनटेक होता है, वो ले सकते हैं आप। कैल्शियम की कुछ, अगर कैल्शियम की कोई ना कोई गोली है, जैसे यहाँ पर ये भी गोली सी नजर आ रही है ना, सी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बीज सा देख रहे हो आप, तो कुछ लोगों को डेफिनेटली अपना कैल्शियम, अगर आपका इनटेक कम है, तो आपको कैल्शियम की पूर्ति करने की जरूरत है, यू नो, इस हफ्ते। बेसिकली ये हमें डिसीजंस के बारे में भी जानकारी देता है लवर्स कार्ड, लेकिन इसमें यहाँ पर वो जैसे किसी ने डिसाइड कर लिया, रिलेशनशिप में पहले ही कोई है, कोई बातचीत भी अगर आप हो रही है, अगर आपने वो इजहार, जो ऑफिशियल इजहार है, अगर वो नहीं भी किया है, लेकिन फिर भी आप दोनों को पता है कि आप दोनों में प्यार है, यू नो, तो उसी रिश्ते को और कंटिन्यू करते रहना, उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ना, ये उसके बारे में भी है। यहाँ पर लॉकेट है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको कोई तोहफे के रूप में भी कोई चीज मिल सकती है यहाँ पर।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर रिकग्निशन के बारे में, सक्सेस के बारे में, जो किसी ने मेहनत लगाई है उसका फल मिलना, उसको उसकी सराहना मिलना, क्योंकि यहाँ पर क्लैपिंग हो रही है, तो आपको फोकस में भी रहेंगे आप, यू नो, जैसे जैसे आपको अच्छा भी महसूस करवाया जाएगा कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आपके गुण बहुत अच्छे हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं यहाँ पर कुछ लोगों को। सेवन ऑफ कप्स, जैसे मैंने पहले कहा, आंख मूंद कर किसी के ऊपर भी विश्वास मत कीजिएगा। अगर आपके आपके दिमाग में शोर आप बहुत कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं कि हाँ शोर बहुत बढ़ता जा रहा है, कहानियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, मेक श्योर कि आपको थोड़ा रेस्ट लीजिए, क्योंकि ये दिमाग पर जैसे सेवन कप्स वो जैसे कैसे मंडरा रहे हैं उसकी उसके उसके चेहरे के इर्द गिर्द, तो थोड़ा सा अगर सर में भी दर्द है तो वो शायद इस वजह से ही हो सकता है आपके, कि अगर आपको थोड़ा सा दबाव महसूस होता है सर के इर्द गिर्द, वो शोर है आपके दिमाग में बहुत, उसे कम करने की जरूरत है। अगर आप किसी के साथ टेलीपैथी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक वो इस हफ्ते पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पर टेलीपैथी का है कि कोई फ्रीक्वेंसी को जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर ये संभव है कि आपको कुछ मैसेजेस उस शख्स से मिले जो कि बहुत दूरी पर है, लेकिन फिर भी आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, सोलमेट कनेक्शन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आर्गुमेंट्स की ऊर्जा हो जाती है। अगर आप किसी भी शख्स के साथ आपकी आपकी बनती नहीं है, मान लीजिए किसी शख्स के साथ, और इस हफ्ते आपका उसके साथ कोई राबता पड़ता है, मेक श्योर कि आप उसको किसी भी चीज को लेकर ट्रिगर ना करें। अगर वो आपको ट्रिगर करता रहा है तो आप उसके साथ थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखें, लेकिन जो उसको वाइब्स देनी है वो आपको अखरती हुई हीट वाली जो वाइब्स होती है वो नहीं देनी है, ठीक है। थोड़ी सी हमें यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है, ठीक है। आपके लिए थोड़ी सी और कास्ट देखते हैं, कर्क राशि कैंसर साइन के लिए। यहाँ पर है मेडिसिन मदर, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑनर योर इनर नोइंग। जो जो भी अभी तक आपने सीखा है 2021 के लिए, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी सपने हैं आप पूरा करना चाहते हैं, और जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, ये बेसिकली उसके बारे में, हालांकि ये मेडिसिन के बारे में इसमें लिखा हुआ है मेडिसिन मदर, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जो ऊर्जा है वो यही है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने प्लान क्रिएट किया है अपनी सक्सेस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, क्योंकि मेडिसिन हमें हीलिंग के साथ भी जोड़ती है, राइट। तो ये जो भी आपने निर्धारित किया है अपने लिए, उसको कंटिन्यू करते रहो, ऑनर करना उसको, कंटिन्यू करते रहो, जारी रखिए उसे। यहाँ पर है अर्थ मदर, इसके ऊपर लिखा हुआ है फील लव्ड एंड कम्फर्टेड। अगर आपके घर में मान लीजिए सोफा अच्छा नहीं है और आप बहुत समय से नया सोफा लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो शायद इस हफ्ते आपको वो भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये कम्फर्ट के बारे में बात करता है। ये बात करता है कि जहाँ पर हमें सुखद महसूस हो, ऐसा एनवायरनमेंट भी तैयार करना अपने इर्द गिर्द। अगर आपके घर में साफ सफाई की जरूरत है तो वहां भी कीजिएगा साफ सफाई। आप में से कुछ लोगों को अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी का इंटेंशन सेट करने की जरूरत है, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, समय वैसा एनर्जी बनी हुई है आपके इर्द गिर्द। कुछ लोगों के लिए मदर की ऊर्जा, अपनी माँ के साथ कनेक्ट होना, मदर अर्थ गाया के साथ भी हो सकता है कनेक्शन की, आपने रिसेंटली आपके मन में ये इच्छा जागी है कि हमें मदर के लिए, मदर अर्थ के लिए भी कुछ करना है, यू नो, प्रकृति की संरक्षण के लिए भी हमें कुछ करना है। तो अगर ऐसे कोई भी भाव आपके साथ आपके मन में जागा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता उसकी तरफ में भी मुझे खुलता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई एनजीओ, कोई ना कोई ऐसे लोग जो ऑलरेडी ऐसा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगला है मिरर गार्डियन, इसके ऊपर लिखा हुआ है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, एकदम से डिसाइड नहीं करना, पहले सोचिए, समझिए, देखिए। ट्रैफिक रूल्स भी अगर आपको पता हो तो वो ऐसे ही होते हैं ना कि एकदम से नहीं, वो पहले ग्रीन आती है, फिर येलो आती है, फिर रेड। वो एक सिस्टम है, जैसे एक सिस्टम को फॉलो करना, रिफ्लेक्ट करना, ताकि आपको सोचने समझने का थोड़ा मौका मिल सके। हैंडमैन की ऊर्जा, कभी कभी हमें चाहिए होती है हैंडमैन की ऊर्जा। अगला कार्ड है आपका व्हाइट विच, बी द लाइट। बी द लाइट मेरी जान, बी द लाइट। कैंडल के साथ काम करना, कैंडल जलाना, दिया जलाना, शाम के समय, सुबह के समय आरती करना, तुलसी मैया की आराधना करना, ये सब कुछ वैसे ही ऊर्जा है, यू नो। तो ऐसे रूटीन को अगर आप जारी किए हुए, ऐसे रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको जारी रखिए, क्योंकि वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर अगला कार्ड है हार्ट गार्डियन, इसके ऊपर लिखा हुआ है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। प्यार करो और दूसरों को भी प्यार करने दो, दूसरों को भी प्यार दो, खुद को भी प्यार के लिए ओपन रखो, यू नो, ये उसके बारे में है। तो आई थिंक कुछ लोगों को
रिश्तों को सुधारने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों को अगर आपके किसी के साथ भी अखरती नहीं है, खासकर करके कोई फेमिनिन एनर्जी है अगर आपके इर्द गिर्द जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, वो आपके वो आर्गुमेंट्स बने रहते हैं, थोड़ा गुस्सा बना रहता है, तो थोड़ा सा आपको उस शख्स के साथ थोड़ी सी पीस क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। हाँ, आंसर कर्क राशि। आप में से कुछ लोगों को शायद यह परफ्यूम खरीदने की जरूरत है। यहाँ पर रोज की सुगंध है, यहाँ पर ये परफ्यूम बॉटल भी है, तो शायद आप अगर सोच रहे हैं नया परफ्यूम लेने का तो इस हफ्ते खरीद सकते हैं। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है, तो आप में से जो लोग करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आई थिंक उसके लिए आपको यहाँ पर कहा जाना है कि शिक्षा और ग्रहण कीजिए और एजुकेशन लीजिए। तो ये जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आप करियर के लिए देख रहे हैं, इसमें आपका ज्ञान और लगेगा, माने आपको थोड़ी सी और शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों को गौ मैया को, गौ माता को चारा देने की, डोनेशंस करने की जरूरत है। पता नहीं मुझे क्यों वो गौ माता दिखा रहे हैं, जैसे उनको चारा डोनेट करने की जरूरत है। शायद आपके घर के इर्द गिर्द को गौ मैया है भी ऐसी जिसे हेल्प की जरूरत है। आई डोंट नो ये क्यों मैसेज आ रहा है इतना स्ट्रांग। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर लिखा हुआ है फतेह तुम्हारी होगी, प्रतिष्ठा। मैं ऐसे प्रतिज्ञा पढ़ रही थी तो फतेह तुम्हारी होगी, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आगे बढ़ते रहो। मैंने कहा ना, जॉब कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, आप सही कर रहे हो। आपका जो भी रूटीन चल रहा है हीलिंग के लिए, ईश्वर की भक्ति, अगर स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप जो भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, ये रिकग्निशन के बारे में भी है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्स, बहुत फायर एनर्जी है, यलगार हो, अच्छा चलो मान के, अगर कोई रूठा हुआ है तो वो मान सकता है इस हफ्ते। मुझे विश्वास है मैं कर सकता हूँ किसी भी चीज में, अगर आप अपना मन लगाएंगे, अपनी ऊर्जा डालेंगे, तो डेफिनेटली आप उस चीज को कर सकते हैं। अगर हम दिमाग में कोई सपना देखें तो उस सपने को साकार करने की भी हिम्मत होती है हमें, बस गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है, ये उसके बारे में है। अगला कार्ड है आपका सेवन ऑफ कप्स, आपके टैरो में भी सेवन ऑफ कप्स आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है मोह माया, नया सूरज ढूंढो। नया सूरज ढूंढो माने एक नई सोच को ढूंढना, एक नई सोच के साथ जुड़ना। एक ही तरह के अगर पैटर्न में फंसे हुए हो और कह रहे हो कि ना रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर रणनीति को चेंज करो, अपने प्लान को चेंज करो। ग्रे क्लाउड्स, दुविधा, जागो। तो मैं अगेन कह रही हूँ, अगर आपको कोई बात बताता है इस हफ्ते, आंख मूंद कर उस पर विश्वास मत कीजिएगा, उसको पहले पुख्ता कर लीजिएगा जानकारी को। यहाँ पर है पेज ऑफ सोल्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है नया रिश्ता, सोलमेट, बातचीत करनी है। मैंने आपको पहला मैसेज ही यही दिया है कि अगर आप आपकी तरफ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सोलमेट की भी ऊर्जा है। आई थिंक ये जो भी शख्स इसके साथ ऑन ऑफ रिलेशनशिप है, ये मुझे बहुत टिकाव वाला रिश्ता नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कभी आता है कभी जाता है। तो इस हफ्ते भी मेरे ख्याल से इसके साथ ऐसी कोई बातचीत हो सकती है जहां पर आप इसको शायद क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर ये आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि यहाँ नए रिश्ते की भी ऊर्जा है। यहाँ पर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है नया जन्म, प्रेगनेंसी, नई शुरुआत, वृक्ष लगाओ, नई यात्रा। तो प्रेगनेंसी का भी मैसेज मदर अर्थ गाया में भी है, क्योंकि माँ की कोख खिली हुई है यहाँ पर। तो डेफिनेटली कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस हफ्ते, कोशिश कर सकते हैं। वृक्ष लगाओ, नए प्लांट्स लगाना, नए पौधे खरीदना भी आपके लिए कुछ अच्छा रह सकता है। कुछ लोगों के लिए नई यात्रा, ये किसके बारे में, मैं देखना चाहूंगी ये नई यात्रा किसके बारे में है। लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नई यात्रा। One more time, please. And Shania. Wow, यहाँ पर तो है Ace of Wands. Guys, नई यात्रा और न्यू बिगिनिंग। आई थिंक आपकी क्रिएटिविटी के क्षेत्र में कोई ना कोई नई यात्रा है। आपकी हॉबीज को आप करियर में तब्दील कर सकते हैं, या आपके जो टैलेंट्स हैं उनको दुनिया के साथ शेयर करने का कोई ना कोई आपको अवसर, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है।
तो अगर आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यू नो इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये हफ्ता उसके लिए भी ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। आपके लिए थोड़े से चार्म्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला मैसेज है डू योगा। आपको योगा करने की जरूरत है, स्ट्रेच करने की जरूरत है, आपकी बॉडी को शायद उसकी जरूरत हो सकती है। आप बहुत लेजी आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, अगर है तो डेफिनेटली मैं आपको योगा रिकमेंड करूंगी। यहाँ पर है स्पेशल समवन, स्पेशल यू नो कोई खास किसी की शायद आपके ऊपर नजर है, या फिर आपकी किसी के ऊपर नजर, कोई क्रश भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो कोई व्यक्त कर सकता है ऐसी भावनाएं यू नो आपके प्रति। यहाँ पर है क्लासिक, क्लासिक से मुझे वही मैसेज मिलता है कि ओल्ड इज गोल्ड, यू नो कुछ चीजें जैसी हैं वो वैसे ही रहें तो ठीक रहता है, उसमें हम तब्दीली ना ही करें तो ही ठीक है। तो अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, रूट्स, हम उनको नहीं बदल सकते, यू नो वो जैसी हैं वैसी ही हैं। मॉडर्न होना अपनी अच्छी बात है, समय के साथ हमें बदलना भी होता है, लेकिन अगेन कुछ चीजें जैसी हैं अगर वो वैसे ही चलती रहें तो ठीक है। तो ये कुछ ऊर्जा उसके बारे में है। यहाँ पर है आस्क फॉर हेल्प। आप में से कुछ लोगों को अगर दिक्कत है, अगर आप गिव अप करने लगे हो कि एंजल्स नहीं है, एंजल्स मेरी बात सुनते नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ना उनका आह्वान करने की कोशिश कीजिए, उनके उनको याद कीजिए, उनसे मदद मांगिए। जब तक मदद मांगोगे नहीं तो हेल्प मिलेगी कैसे? अगर आप इसी रेजिस्टेंस में हो कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, कुछ एक जगह छोड़ कर ये कह रहे हो कि होगा, अगर मैं प्रार्थना करूं तो वो डेफिनेटली होगा, तो यहाँ पर आस्क फॉर हेल्प कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ये बटन है, ये रिकग्निशन के बारे में भी है, आपके स्किल्स को दूसरों के साथ शेयर करने के बारे में, जो मैंने मैसेज आपको यहाँ दिया ये उसी के बारे में है। ये गाड़ी है, यहाँ पर एट ऑफ वॉन्स में भी गाड़ी है, पहला मैसेज आपका। सी, अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है, मेक श्योर कि आप थोड़ा ध्यान बरतिएगा ट्रैवल करते वक्त। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा सा एहतियात, वो रेकलेस ड्राइविंग नहीं करनी है आपको। आपसे कोई मिलने भी आ सकता है, कोई मेहमान भी अनएक्सपेक्टेड इस हफ्ते में आपकी तरफ आपके घर में आ सकते हैं, तो थोड़ी सी तैयारी थोड़ी सी पहले ही करके रखिएगा। यू नो यहाँ पर है कुछ फेरीज, यहाँ पर एंजल्स की ऊर्जा है। सपनों पर भी ध्यान दीजिएगा, आई थिंक कहीं ना कहीं आपको सपनों के थ्रू, खास करके अगर आपको सपनों में आग या पानी नजर आते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, तो अपने सपनों पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है ये चाबी, जो कि सोल्यूशन के बारे में, ताला है, पहले चाबी नहीं थी तो ताला खुल नहीं रहा था, तो इस हफ्ते वो ताला खुल जाएगा क्योंकि यहाँ पर चाबी है। ठीक है मेरी जान, ये है कर्क राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपकी बातों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।